प्रतिनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए गए बयान के बाद हंगामा मच गया है। बीजेपी सहित हिंदू संगठनों ने इस बयान की निंदा कर कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। इस नई बहस के बीच सनातन को लेकर भी बहस छिड़ गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC भारत और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है। हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर के चलेंगे तो देश के बहुत बड़े गुस्से का आपको फल भुगतना होगा। तमिलनाडु CMM के स्टालिन के बेटे उदयनिधि के एक बयान ने फिर से सनातन पर कई बहस छेड़ दी है और इस टिप्पणी को लेकर विवाद जारी है। देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो माहौल बन रहा है, उनके बयान ने इसमें भूल चाल ला दिया है और अब धीरे धीरे दो पक्ष आमने सामने आते दिख रहे हैं। बता दें कि बीजेपी सहित हिंदू संगठनों ने इस बयान की निंदा की है और साथ ही कांग्रेस को भी घेरा है, जो कि नए बने इंडिया गठबंधन में स्टालिन की पार्टी DMK के साथ सहयोगी है। लिहाजा सवाल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी है कि क्या वो सनातन विरोधी है, क्या सनातन व सनातनी उनके लिए डेंगू मलेरिया जैसे हैं जैसा कि उदयनिधि ने कहा, या क्या उनके राजनीतिक विचारों में सनातन वाकई कोई गई गुजरी चीज है जिसका वर्तमान में कोई मतलब नहीं। सवाल कई हैं और तमाम राजनीतिक चर्चाएं और बयानों को छेड़े तो और सवाल उठकर बाहर आएंगे। वो ये है कि सनातन की असल परिभाषा है क्या और किसने किस तरह से विचार रखे हैं सनातन को लेकर। इस सवाल को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले देखते हैं कि उदयनिधि ने असल में क्या कहा था। दरअसल उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में दिए गए बयान में कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन नाम सांस्कृतिक का है और ये सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि ने कहा कि वो सनातन धर्म की आलोचना के बयान पर कायम है, हालांकि BJP उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, फर्जी खबरें फैला रही है उनके खिलाफ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर BJP को घेरने की कोशिश की। साथ ही उनका कहना है कि कुछ लोग बचकानी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब PM मोदी कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं तो क्या इसका मतलब है कि कांग्रेसियों को मार देना चाहिए। उदयनिधि ने कहा वो मेरे खिलाफ जो भी केस दायर करेंगे मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। BJP इंडिया गठबंधन में डरी हुई है और इसको भटकाने के लिए वो ये सब कर रही है। DMK की नीति एक कुल एक भगवान है, जैसे सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। वैसे ही ऐसे आपत्तिजनक बयानों का भी भारत में कोई अंत नहीं है। उदयनिधि के बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत। धन्यवाद।